हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमजे टेक में। आज मैं आपको सिखाऊंगा, कभी भी हम कोई फाइल को डिलीट मारते हैं तो हम सीधा उसे आइकन पे जाके राइट क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन ढूंढते हैं और उस पर क्लिक कर देते हैं। तो जब हम डिलीट मारते हैं तो उसकी कुछ फाइलें ना हमारे स्टोरेज में रहती हैं। तो अब जब आपको किसी भी प्रोग्राम को डिलीट करना हो तो आप उसे कम्प्लीटली डिलीट करेंगे ना, ताकि आपकी स्टोरेज भरी ना रहे। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको आपको सर्च में जाना है। सर्च में जाके आपको यहाँ पर लिखना है ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपको इसे क्लिक करना है और इसमें जो भी आपको प्रोग्राम नहीं चाहिए आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे एनवीडिया का मुझे नहीं चाहिए तो मैं एनवीडिया का ढूंढ रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरे को चाहिए नहीं था। तो अब यहाँ से मैं अनइंस्टॉल करूँगा तो इसकी पिछली जितनी भी फाइलें होंगी कम्प्लीटली ये अनइंस्टॉल होएगा। एक और तरीका है जिससे हम किसी भी फाइल को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, आपको सर्च में जाना, यहाँ पर आप लिखना कंट्रोल पैनल। जब आप कंट्रोल पैनल में पहुँच जाएंगे यहाँ पर प्रोग्राम्स के नीचे यहाँ पर लिखा होगा अनइंस्टॉल प्रोग्राम, आप इसे क्लिक करो और यहाँ से आपको जौन सा भी प्रोग्राम नहीं चाहिए उसे अनइंस्टॉल कर दो। जैसे कि मैं अगर दिखा देता हूँ, अभी मेरे को ये वाला नहीं चाहिए तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अनइंस्टॉल का बटन आ जाएगा, आपको इसे दबाना है और इससे अनइंस्टॉल हो जाएगा। सो थैंक यू गाइज, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना मेरे लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए। थैंक यू गाइज।